बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाज़रीन ईडन गार्डन टाइम्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकात। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं कौमी और सूबाई हलकों के साबका नतायज और 2018 के इंतहाबात में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नामजद करदा उम्मीदवारों की तफसील। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मुख्तलिफ सियासी तबसरे, तज्जिए और सियासी टाकरे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज हम आपको लेकर चलते हैं जिला चकवाल के कौमी हलका NA65 चकवाल 2 की जानब। 2018 की नई हलका बंदियों से पहले यह हलका NA61 था, लेकिन अब ये NA65 चकवाल 2 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं उस मोहब्बत और पसंदीदगी के लिए जिसके जरिए से आप ईडन गार्डन टाइम्स की इलेक्शन ट्रांसमिशन को पजीराई बख्श रहे हैं। हम बड़ी मेहनत और लगन के साथ आपके लिए वीडियोज अपलोड कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी अप्रिसिएशन का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के कौमी हलका NA64 चकवाल 2 की जानब। हम सबसे पहले जायजा लेंगे इस हलका से 2002 के इंतहाबात का। आज़ाद उम्मीदवार सरदार मंसूर हजार टम्मर ने 76,171 वोट हासिल किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के मोहम्मद फैज मलक ने 101,664 वोट हासिल किए और इस तरह से 2002 के इंतहाबात में मोहम्मद फैज मलक वाजे बर्तरी के साथ ये इंतहाब जीत गए। 2008 के इंतहाबात में सूरत हाल कुछ इस तरह से रही। सरदार मंसूर हयात टम्मन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े और उन्होंने हासिल किए 37,978 वोट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार मुमताज़ खान टम्मन ने 104,739 वोट हासिल किए और इस तरह सरदार मुमताज़ खान टम्मन भारी अक्सरियत से क्लीन स्वीप विक्ट्री हासिल करने में कामयाब रहे। 2013 के इंतहाबात में तीन उम्मीदवारों में दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार मंसूर हयात टम्मन ने हासिल किए 45,343 वोट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के चौधरी परवेज़ इलाही ने हासिल किए 98,414 वोट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार मुमताज़ खान टम्मन ने 113,303 वोट हासिल किए। इस तरह सरदार मुमताज़ खान टम्मन एक दफ़ा फिर फातह ठहरे। 2018 के इंतहाबात में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार मुमताज़ खान टम्मन का मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के चौधरी परवेज़ इलाही से होने जा रहा है और एक और कांटे के मुकाबले की तवक्को इस हलका में की जा रही है। रिस्पेक्टेड व्यूअर, आपसे गुजारिश है कि अपने पसंद के उम्मीदवार और इलाके की ताज़ा तरीन सियासी सूरतेहाल के हवाले से हमें कमेंट्स करते रहें ताकि ईडन गार्डन टाइम्स के नाज़रीन को आपके हलके की ताज़ा तरीन सूरतेहाल से आगाही होती रहे। शुक्रिया।